आज बात करते हैं रॉक्स। हिंदी में कहो तो चट्टाने। चट्टानों के अध्ययन को, रॉक्स के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। काम की बात करेंगे बस। चट्टाने क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। तीन प्रकार की होती है रॉक्स और उन तीनों पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खास करके इन तीनों के एग्जाम्पल, उन पर तो हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक्स क्या है भाई? इग्नियस रॉक, ये जो शब्द है इग्नियस, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है फायर। ये जो इग्नियस है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फायर, और इसी इग्निस से बना है इग्नियस। फायर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये जो इग्नियस है ना, ये लावा से बनता है। ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्मा, तो ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है, जिसे इंग्लिश में मैग्मा कहते हैं, वही ठंडा होकर क्या बनाता है? इग्नियस रॉक। जब ये मैग्मा ठंडा होगा तो क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक। ये जो इग्नियस रॉक है, ये सबसे पुरानी रॉक है, सबसे पुरानी रॉक्स, इसलिए इसको ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं। ये सबसे प्रमुख रॉक है। जितनी बाकी की दूसरी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, वो सब इसी से बनती हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक से बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से बनती है। मतलब प्रमुख रॉक कौन सी है? इग्नियस रॉक, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। सबसे पहले रॉक्स यही बनी थी, इसलिए इसे फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक्स भी कहते हैं। अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करूं, आप पूछोगे सर जी अर्थ क्रस्ट क्या होता है? देखो, ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ। इस अर्थ का जितना भी ठोस भाग है, यानी समुद्री भाग को अगर छोड़ दूं, तो जो बचा हुआ जो ठोस भाग है, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, उसकी जो अपर लेयर होती है, जो ऊपर की जो पापड़ी होती है, जिसमें बाकी की सभी चट्टानें, सभी खनिज पदार्थ जिसमें पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट। इसी अर्थ क्रस्ट में होती हैं बाकी सभी चट्टानें। तो इस अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चट्टानें हैं, जितनी भी रॉक्स हैं, उसका 95% क्या है? इग्नियस रॉक। सबसे ज्यादा यही पाई जाती हैं। तो अर्थ क्रस्ट में जितनी भी चट्टाने हैं, उसका 95% चट्टाने कौन सी हैं? इग्नियस रॉक है। ये बनती कैसे है? मैग्मा से, लावा से। अब इसका बनने का जो तरीका है, उसके आधार पर ये दो प्रकार की है। कौन कौन सी वो देख लो। एक है प्लूटोनिक रॉक। क्या है भाई प्लूटोनिक रॉक? दूसरी है वॉल कानिक रॉक। क्या है वॉल कानिक रॉक? देखो, इग्नियस रॉक बनती किससे है? लावा से, मैग्मा से। अगर लावा जमीन के अंदर ही ठंडा हो रहा है, मान लो ये रहा लावा, अगर ये लावा बाहर ना आते हुए जमीन के अंदर ही, सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाए, और ठंडा होके जो इग्नियस रॉक बनाए, उस इग्नियस रॉक को कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। यानी प्लूटोनिक रॉक जो होती है वो अंडर सरफेस बनती है, मतलब ये पृथ्वी की सतह पर नहीं बनती। प्लूटोनिक रॉक बनती है पृथ्वी के सतह से नीचे। जो लावा होता है वो ज्वालामुखी के फटने पर जो बाहर निकलता है, तो वो बाहर ना निकलते हुए जब जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो वहां पर जो इग्नियस रॉक बनती है उसे कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है
इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर, तो ये जमीन के अंदर बनती है। अब चूंकि ये जमीन के अंदर ठंडी होगी तो काफ़ी धीमे धीमे ठंडी होती है, क्योंकि जमीन के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो कूलिंग उसकी होती है, बहुत धीमे धीमे ये ठंडी होती है और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है इस प्लूटोनिक रॉक को बनने में। तो धीमे धीमे ठंडी होने की वजह से इसका जो अपीयरेंस है, जो दिखने में बिल्कुल हीरे की तरह चमकदार होती है, क्रिस्टल अपीयरेंस बिल्कुल एकदम चमकदार बनती है जी। क्यों? उसका कारण है क्योंकि स्लो कूलिंग होती है, धीमे धीमे ठंडी होती है। क्यों होती है धीमे धीमे ठंडी? क्योंकि अंदर का तापमान ज़्यादा रहता है। और एक इसमें याद रखना आप एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है इसमें ग्रेनाइट, IMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? प्लूटोनिक रॉक का। हालांकि ग्रेनाइट एग्जाम्पल किसका? इग्नियस रॉक का। और डिटेल में अगर पूछ ले क्वेश्चन तो वो ये पूछ लेगा ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? प्लूटोनिक रॉक का या फिर इग्नियस, सॉरी इंट्रूसिव रॉक का। ये चार पॉइंट याद रखना इसमें काफ़ी है। अब आ जाओ वॉल्केनिक रॉक पर। अगर ये जो लावा जो इस प्लूटोनिक चट्टानों में, प्लूटोनिक रॉक में जमीन के अंदर ही ठंडा हो रहा था, अगर ये लावा बाहर निकल आए, ज्वालामुखी के मुख से अगर ये लावा बाहर निकल आए और बाहर निकल के जो ठंडा हो, तो उसे कहेंगे वॉल्केनिक रॉक। और क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सट्रूसिव रॉक। जैसे इंट्रूसिव रॉक, ये होगा एक्सट्रूसिव रॉक, मतलब वो लावा, वो मैग्मा ज्वालामुखी के मुख से बाहर आएगा और अर्थ की सरफेस पर, यानी कि ये जो चट्टान है वो कहाँ पर बनेगी? एवब दी सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर बनेगी वॉल्केनिक रॉक, जिसको एक्सट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं, जबकि ये बन रही थी जमीन के नीचे अंडर दी सरफेस। अब चूंकि लावा सरफेस पर आ चुका है, मतलब हमारे एटमोसफियर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ चुका है, तो बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। यहाँ पर स्लो कूलिंग हो रही थी क्योंकि ज़मीन के अंदर था, यहाँ पर बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, तो कूलिंग बहुत तेज होगी, मतलब यहाँ पर रैपिड कूलिंग होगी। तो रैपिड कूलिंग होगी तो सीधी सी बात है क्रिस्टल अपीयरेंस वहाँ पर नहीं होगा, वो चमकदार नहीं बनेगी। तो कैसी होगी भाई? वो होगी ग्लासी, चमकदार नहीं होगी, ग्लासी जैसी होगी, ग्लास जैसा, कांच जैसा स्ट्रक्चर उसका होगा, कांच जैसी दिखने में होगी। और यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है बेसाल्ट। इस पर भी IMP, बस ये याद रखना कि बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? वॉल्केनिक रॉक का या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ये बेसाल्ट एग्जाम्पल है। ये बेसाल्ट अगर मैं बात करूँ कहाँ पाया जाता है, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बेसाल्ट चट्टाने हैं ये बेसिकली पाई जाती है अपने डक्कन, डक्कन ट्रैप जो एरिया है आपका, जैसे कि महाराष्ट्र और मालवा जो एरिया है, डक्कन ट्रैप एरिया, वहाँ पर जितनी भी चट्टाने हैं वो सब कैसी हैं? बेसाल्ट है, वॉल्केनिक है, ज्वालामुखी से बाहर निकला हुआ जो लावा है उससे बनी है। ये याद रखना है, डक्कन ट्रैप एरिया, जिसमें अपना मालवा रीजन और महाराष्ट्र रीजन आता है, इसी में आती है अपनी बेसाल्ट। तो ये कुछ पॉइंट आपके वॉल्केनिक रॉक्स में याद आप रखना। तो ये बात की हमने किसकी? इग्नियस रॉक्स की। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रॉक, और वो है अपनी सेडिमेंट्री रॉक। ये इग्नियस रॉक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है वैसे तो, सभी याद रखना, सब कुछ याद ना रख पाओ तो कम से कम एग्जाम्पल तो याद रख ही लेना। ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्पल पर ही पूछे जाते हैं, तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने पढ़े, और भी कई एग्जाम्पल हैं इसके, लेकिन दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो है ग्रेनाइट और बेसल्ट। दूसरा हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक, जो सबसे पहली रॉक्स थी, उन्हीं से बाकी सारी रॉक्स बनती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक भी किससे बनती है? इग्नियस रॉक से बनती है। भाई इग्नियस रॉक कैसी है आपकी? प्राइमरी, प्रथम प्रमुख रॉक है कौन सी आपकी? इग्नियस रॉक। इसी इग्नियस रॉक से बनती है सेडिमेंट्री रॉक, मतलब सेडिमेंट्री रॉक हो गई कैसी? सेकेंडरी रॉक, यानी सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी रॉक भी कहा जाता है।
ये जो सेडिमेंट्री शब्द है ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेडिमेंटम। क्या नाम है उसका? सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। कैसा शब्द है ये? लैटिन। सेटलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब किसी तले पर, बॉटम पर आकर इकट्ठी होने लगती है, सेटल डाउन होने लगती है, नीचे की तरफ जाने लगती है और किसी तले पर, किसी बॉटम पर आकर इकट्ठी होने लगती है, उसी को कहते हैं सेडिमेंटम, सेटलिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, ये एक ग्लास मैंने लिया, इस ग्लास में मैंने भर दिया पानी। अब मैंने कुछ सॉलिड चीज़ें इसके अंदर डाल दी, मान लो कि मैंने डाल दिया रेत, मैंने इसमें सैंड डाल दिया रेत, तो क्या होगा? ये जो रेत के जो पार्टिकल हैं ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो नीचे आने की जो प्रोसेस है और बॉटम पर इकट्ठा होने की जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं सेडिमेंटम, सेटलिंग डाउन। तो इसका नाम सेडिमेंट्री रॉक क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो चट्टान है वो इसी प्रक्रिया से बनती है। कैसे? वो देखो, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये चार फेजेस में बनती है। जैसे कि मान लो ये रहा एक इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से बनेगी, सबसे पहले इसमें होगी वेदरिंग। अब कहोगे सर जी वेदरिंग क्या होता है? देखो, कोई भी फिजिकल चेंज जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब फिजिकल चेंज है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कोई भी बायोलॉजिकल चेंज प्लांट के द्वारा या एनिमल के द्वारा। तो कोई भी फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से कोई ओरिजिनल चट्टान में कुछ बदलाव आए, कुछ नई चट्टानें बने, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। जैसे कि मान लो ये एक चट्टान है, ठीक, मान लो हम रेनफॉल की बात करते हैं, लगातार बारिश हो रही है, एक बारिश से काम नहीं होगा, कई सालों तक लगातार बारिश हो रही है। ऐसा भी नहीं कि 365 दिन ही बारिश हो रही है, मान लो कि 50 साल बीत गए, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो क्या होगा? ये जो पत्थर है वो धीरे धीरे छनना स्टार्ट हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ये पत्थर घिसना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से पार्टिकल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो पार्टिकल्स जो निकलेंगे, ये जो पत्थर जो घिसना स्टार्ट होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकलेंगे, वो फिजिकल भी निकल सकते हैं, बायोलॉजिकल भी निकल सकते हैं और केमिकल रिएक्शन से भी निकल सकते हैं। तो ये जो चेंजेस जो हो रहे हैं, उस चेंजेस की वजह से उस ओरिजिनल चट्टान में से जो दूसरे पार्टिकल बन रहे हैं, उस चेंजेस को ही कहते हैं क्या? वेदरिंग। तो भाई इस इग्नियस रॉक में क्या होगी? पहले वेदरिंग, कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, तो जो नए पार्टिकल्स निकलेंगे उन पार्टिकल्स का होगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पर जाएंगे। कैसे जाएंगे? या तो विंड, हवा के माध्यम से जाएंगे, या फिर पानी के माध्यम से जाएंगे। पैर तो है नहीं कि चल के चले जाएं, तो या तो विंड के माध्यम से या वाटर के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पर उसका क्या होगा? फिर डिपोजिशन। भाई कोई ना कोई जगह तो आएगी जहाँ पर वो रुकेंगे, और जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर आकर वो इकट्ठा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और उनका होगा सेडिमेंटेशन। भाई कहीं पर भी गए वो पार्टिकल, जैसे कि मान लो ये सरफेस है, यहाँ पर वो पार्टिकल्स आए, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी सेडिमेंटेशन उनका होने लगेगा। सेडिमेंटेशन के बाद आखिरी प्रोसेस इसके अंदर होती है डायजेनेसिस, जो कि फोर्थ फेज है, आखिरी फेज है डायजेनेसिस। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इसमें कॉम्पैक्शन और एक होता है इसमें सीमेंटेशन। दो चीज़ों को मिलाकर होता है डायजेनेसिस। क्या होता है भाई? कॉम्पैक्शन का मतलब हार्डनेस, ये पार्टिकल्स कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होंगे, कई सालों बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल्स डिपॉजिट होकर हार्ड हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्शन। एक होता है सीमेंटेशन,
ये पार्टिकल जिस जगह पर डिपॉजिट होंगे वहाँ उस मिट्टी में पहले से ही कोई दूसरे केमिकल्स और कोई दूसरे पार्टिकल भी होंगे, वो उन पार्टिकल्स के साथ, उन आने वाले पार्टिकल के साथ मिलकर एक नई चट्टान बनाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सीमेंटेशन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कौन सी, सीमेंटेशन। तो सीमेंटेशन किन किन पार्टिकल से हो सकता है, सीमेंटेशन हो सकता है लाइम से, चूने से हो सकता है, जो नए पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेशन से आए हैं वो चूने के साथ मिलकर एक नई चट्टान बनाए, वो सीमेंटेशन हो सकता है, सिलिका से, सिलिका के साथ मिलकर कोई नई चट्टान बनाए वो सीमेंटेशन हो सकता है, आयरन ऑक्साइड से, और भी कई सारे केमिकल्स हैं, लेकिन ये तीन याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, ये तीन तो याद रख ही लेना। इन तीनों को बोलते हैं सीमेंटिंग एजेंट, इन्हीं तीनों से ज़्यादातर सीमेंटेशन होता है। यहाँ से एग्जांपल भी याद कर लो, देखो अगर लाइम के साथ रिएक्शन होती है, लाइम के साथ मिलकर एक नई चट्टान बनती है तो उसको बोलेंगे लाइम स्टोन, अगर सिलिका के साथ मिलकर बनती है कोई चट्टान तो उसको बोलेंगे सैंडस्टोन। ये दो तो याद रखना ही रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। इसके अलावा और भी हैं, डोलोमाइट है, सेल है, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ये चार याद रख लेना, चार ना रख पाओ तो ये दो तो याद रखना ही रखना, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। एक ये सेल भी याद रखना, इसका भी आगे पता चलेगा क्यों याद रखना है, ये चारों याद रख ही लेना, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट और सेल, बस ये इसके चार एग्जाम्पल हैं, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, ये अर्थ क्रस्ट का केवल 5% है बस, 95% इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री है 5%, जो ये कोर है मेटामॉर्फिक वो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वो ना के बराबर इतनी है कि मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए काफ़ी है, सफिशियंट है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है और वो है फॉसिल्स के ऊपर। फॉसिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाश्म। भाई जीवाश्म क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंकाल हमें कई हजारों साल बाद मिलें, और उस वक्त जब वो कंकाल मिल रहे हैं उस वक्त वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही ना करता हो, उसे कहते हैं फॉसिल्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लो आज क्या है 2020, कोई व्यक्ति, कोई इंसान ले लो, वो मर गया, ठीक है, ये हमने उसको दफना दिया जमीन के अंदर। 100 साल बाद मान लो कि वो 2120 में इसके कंकाल मिले खुदाई में, तो क्या उसे फॉसिल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि 100 साल बाद भी इंसान तो जीवित रहेंगे ही, तो इन 100 साल बाद इंसानों को इंसानों का ही कंकाल मिला तो वो फॉसिल नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर मरे थे, लेकिन आज उसके कंकाल हमें मिल रहे हैं, मतलब डायनासोर आज नहीं है लेकिन डायनासोर के कंकाल मिल रहे हैं, मतलब डायनासोर क्या हो गया, फॉसिल्स हो गए। जो चीज़ आज एग्जिस्ट नहीं करती और उसके कंकाल हमें मिलते हैं तो उसे कहते हैं फॉसिल्स। तो देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फॉसिल्स होते हैं ये किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, और ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन विच टाइप्स ऑफ रॉक, आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक। कैसे, ये थोड़ा समझो। देखो डायनासोर का ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लो रही अर्थ सरफेस, मान लो कोई डायनासोर मर गया, ये उसका कंकाल पड़ा हुआ है जमीन पर, ठीक है, क्या होगा भाई, ये इग्नियस रॉक है, इसमें वेदरिंग होगी, कुछ नए पार्टिकल बनेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होंगे और आके डिपॉजिट होंगे। मान लो वो डिपॉजिशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है इस कंकाल के ऊपर, ठीक है, एक लेयर बना दी उसने डिपॉजिट होकर, कंकाल को छुपा दिया, और आने वाले सालों में और कोई नई लेयर बनेगी, फिर आने वाले सालों में कोई और लेयर बनेगी, फिर आने वाले सालों में कोई और लेयर बनेगी, हजारों लाखों साल बीत जाएंगे, इससे ऐसी बहुत सारी लेयर बन जाएंगी, और वो जो कंकाल है वो उस लेयर के नीचे दब जाएगा। इस तरह से जब कोई चट्टान बनती है लेयर बाय लेयर,
परत दर परत जब कोई चट्टान बनती है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं उसे? स्ट्रेटिफिकेशन। और इस तरह की चट्टान को कह देते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक ही है। और ज्यादातर जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन प्रक्रिया से ही बनती हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी हैं। आप गूगल पर कभी सर्च कर लेना स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, आपको बिल्कुल दिखाई देगा, एकदम लेयर जो है बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगी उसमें, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में बिल्कुल एकदम। अगर इस किसी भी चट्टान, अगर कोई चट्टान आपको मिल जाए जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसको आप ट्रांसवर्स सेक्शन उसका करना, उसको बीच में तोड़ देना, तो आप आसानी से देख सकते हो उसमें बहुत सारी लेयर्स मिलेंगे। गूगल पर ज़्यादा सर्च कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बिल्कुल लेयर बाई लेयर उसमें क्लियर दिखाई देगा, और उन्हीं लेयर्स में छुपे रहते हैं क्या? फॉसिल्स। तो फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में, या जिसे हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, उनके अंदर ही पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। तो ये तो हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें कोई दिक्कत। अब आ जाओ लास्ट, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और उस पर तो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम्पल पर ही पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं भाई। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी रॉक कौन सी होती है? इग्नियस रॉक। इग्नियस से सेडिमेंट्री बनेगी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनेगी, यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किससे बनती है आपकी? सेडिमेंट्री से। और सेडिमेंट्री किससे बनती है? इग्नियस से। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी भी है जो डायरेक्ट इग्नियस रॉक से भी बनती है। अब ये एग्जाम्पल देख लेना आप। अब ये जो बनने का तरीका है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती कैसे हैं, किस तरीके से बनती हैं, उस बेसिस पर ये तीन प्रकार की हैं, बस वो ही पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो तीन प्रकार कौन से हैं और उनके क्या एग्जाम्पल हैं। एक है हाइड्रो मेटामॉर्फिक, एक है थर्मो मेटामॉर्फिक, और तीसरी है डायनामो मेटामॉर्फिक। नाम से समझ में आ गया हो कुछ तो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। जब कोई चट्टान, इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, उसमें वाटर की वजह से, पानी से रिएक्शन की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाए, तो उसे कहते हैं हाइड्रो मेटामॉर्फिक। एग्जाम्पल याद रखना है बस, इसमें एग्जाम्पल है क्वार्ज। क्वार्ज किससे बनता है आपका? सैंड स्टोन से। और सैंड स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि सैंड स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और उससे क्या बना है? क्वार्ज। दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नीस। और नीस किससे बनता है आपका? ग्रेनाइट से। और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का। इसलिए मैंने कहा कि मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री से भी बनती है और इग्नियस से भी बनती है। ये दो एग्जाम्पल इसमें याद रखना। थर्मो का मतलब हीट, मतलब जब हीट से रिएक्शन होगी तो बनेगी क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें भी सिर्फ एग्जाम्पल ही याद रखना। इसमें एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन मार्बल, जो मार्बल घरों में यूज करते हैं। तो ये मार्बल किससे बनती है? लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। डायनामो का मतलब होता है प्रेशर। जब प्रेशर, दबाव की वजह से जो रॉक बनेगी उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें भी एग्जाम्पल ही याद रखना बस। और इसका एग्जाम्पल है स्लेट, और ये बनती है आपकी सेल से। इसलिए मैंने कहा था कि सेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल से क्या बनती है? स्लेट। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइम स्टोन से क्या बनेगा? मार्बल। ये ऐसे पूछ लेंगे कि मार्बल किससे बनता है? लाइम स्टोन से। क्वार्ज किससे बनता है? सैंड स्टोन से। नीस किससे बनता है? ग्रेनाइट से। स्लेट किससे बनता है? सेल से। तो ये सब याद कर लेना, रट लेना, जो भी तरीका हो आपका। तो ये बात की हमने तीनों प्रकार के रॉक्स की, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। दो प्रकार की रॉक और होती हैं, उनको डिटेल में नहीं जाना, बस उनके भी एग्जाम्पल याद रखो। एक होती है मोनो
मिनरेलिक, नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग, और एक होती है मल्टी मिनरेलिक। मोनो का मतलब एक, जब किसी चट्टान में एक मिनरल हो, एक खनिज हो, तो उसको बोलते हैं मोनो मिनरेलिक। और यहाँ पर बस एग्जांपल याद रखना है आपको, शॉर्ट ट्रिक है, डॉल। डी का मतलब होता है डोलोमाइट, ओ का मतलब होता है ओलिवाइन, और एल का मतलब होता है लाइमस्टोन। ये तीन ऐसी चट्टानें हैं जिसमें सिर्फ एक ही मिनरल है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो मिनरेलिक। यहाँ पर मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जिस चट्टान के अंदर, जिस रॉक्स के अंदर एक से ज़्यादा खनिज हो, एक से ज़्यादा मिनरल हो, उसे कहते हैं मल्टी मिनरेलिक रॉक। और यहाँ पर भी बस एग्जांपल याद रखना, और यहाँ पर एग्जांपल है, ट्रिक है, जी बी, जी मतलब ग्रेनाइट और बी मतलब बेसाल्ट। ट्रिक से याद भी मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों किसके एग्जाम्पल है, मल्टी मिनरेलिक। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट इग्नियस रॉक भी होते हैं।